Hello guys, how are you all? Okay, well, my name is Ankit Dixit and today I am here to tell you the very important topic, a most important topic. What is that? That is passive voice. It's a very important topic in English. Guys, there are two types of sentence in English, active or passive. What is active? Inactive? Active kya hota hai? Active mein hamara doer important hota hai. Doer is important in active. What is important? Doer. करने वाला हमारा इंपॉर्टेंट होता है. टुडे आई एम हियर टू डिस्कस अबाउट पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस में क्या होता है गाइस? डूअर इज इंपॉर्टेंट एंड पैसिव. व्हाट इज इंपॉर्टेंट? डूअर इज इंपॉर्टेंट. काम करने वाला इंपॉर्टेंट होता है इसमें, एक्टिव में. इनएक्टिव डूअर इज इंपॉर्टेंट. Doer means जो भी काम कर रहा है, that is important. उसको highlight करते हैं, right? जैसे मैं पढ़ा रहा हूं या मैं लिख रहा हूं, I am writing. So we are focusing to that worker, जो भी काम कर रहा है यहां पर. और passive में क्या होता है? Passive में हम केवल काम को focus करते हैं. यहां पर what is important? Work is important. What is important? Work is important. Right? In active, doer is important. In passive, work is important. ठीक है ना? जैसे example, मैं लिख रहा हूं तो I am writing a letter, जो भी लिख रहा हूं. ठीक है ना? Passive में क्या होता है? Passive का rule अलग होता है. पैसिव में क्या इंपॉर्टेंट होता है? वर्क इंपॉर्टेंट होता है. सबसे पहले यहां पर आ जाएगा लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. कैसे? अब मैं बताता हूं आपको फॉर्मूला. पैसिव में क्या आता है? वर्क और बी आता है और थर्ड फॉर्म आती है. एज पर ग्रामर रूल आप इसको बना देंगे. काम आएगा यहां पर, बी आएगा और थर्ड फॉर्म आएगी. राइट? अगर काम हमारा चल रहा है तो वर्क इज बीइंग डन. Work is being done. जैसे खाना बन रहा है तो वर्क किस पे हो रहा है? पैसिव वर्ड में बी आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगी. काम किस पे चल रहा है? खाने पर, खाना बन रहा है तो फूड इज बीइंग तैयार किया जा रहा है या कुक्ड, या इसको आप बोल सकते हैं प्रिपेयर. रोड बन रही है तो क्या जाएगा? इसी प्रकार से रोड इज बीइंग कंडक्टेड. रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. रोड इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड. रूम पेंट किया जा रहा है, रूम इज बीइंग पेंटेड. रूम डेकोरेट किया जा रहा है तो रूम इज बीइंग डेकोरेटेड. सभी लोग बोलेंगे रूम इज बीइंग डेकोरेटेड. और क्लास लग रही है, लगना क्या होता है? क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. एग्जैक्टली, कंडक्टेड. क्लास इज बीइंग कंडक्टेड. सभी लोग बोलेंगे मीटिंग लग रही है तो मीटिंग इज बीइंग कंडक्टेड. बोले वर्ड सॉरी, उसका ट्रांसफर किया जा रहा है तो ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड. बोलो ही इज बीइंग ट्रांसफर्ड. इसी प्रकार से आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्या खाना बन रहा है? इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड. अब यहां पर हम क्या करेंगे? आई एम राइटिंग द लेटर. तो आई एम राइटिंग द लेटर आपने लिख लिया. ओके, अब यहां पर इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? किस पे काम चल रहा है यहां पर? लेटर पर. तो लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. राइट? लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी. राइट? ये हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा. इसी प्रकार से आप बहुत प्रकार से सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे क्या क्लास लग रही है? क्वेश्चन कर सकते हैं. क्वेश्चन में क्या करना है आपको? वहां पर आगे टाइम वर्ड लगा देना है. इज क्लास बीइंग कंडक्टेड. बोले वर्ड क्या खाना बन रहा है? इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड. सभी लोग बोलेंगे इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड. फिर से बोलेंगे एक वर्ड इज फूड बीइंग प्रिपेयर्ड. फूड नहीं बन रहा है तो कैसे बोलेंगे? फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. सभी लोग बोलेंगे एक वर्ड फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. सॉरी, फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. बना भी कर सकते हैं. फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. फिर से बोलेंगे वर्ड फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. सॉरी, फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. फूड इज नॉट बीइंग प्रिपेयर्ड. फिर से बोलेंगे
Food is not being prepared. अब क्या बन रहा है? What is being prepared? बोले एक बार. What is being prepared? खाना बन रहा है तो? Food is being prepared. खाना नहीं बन रहा है तो? Food is not being prepared. सभी लोग बोलेंगे? Food is not being prepared. Food is not being prepared. अब इसी फॉर्मूले को हर जगह लगा लेंगे. खाना बन चुका है, काम हो चुका है, तो क्या जाएगा? Work has been done. Work has been done हो जाएगा, क्योंकि काम कंप्लीट हो जाएगा तो हम has been लगाते हैं, और has के बाद थर्ड फॉर्म आती है तो be की थर्ड फॉर्म been हो जाएगी. खाना बन चुका है तो क्या जाएगा? Food has been prepared. बोले एक बार. Food has been prepared. सभी लोग बोलेंगे. Food has been prepared. आपकी कार सर्विस हो चुकी है तो your car has been. बोले एक बार. Your car has been serviced. Your car has been serviced. फिर से बोलेंगे. Your car has been serviced. आवाज नहीं आई. Your car has been serviced. पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं. बढ़ना क्या होता है पता है? Indeed. किसी भी चीज में वृद्धि होना होता है, प्राइस हाइक. क्या होता है? आवाज नहीं आई. प्राइस हाइक होता है एक पदयात्रा बढ़ना, किसी चीज में मूल्य में वृद्धि होना. पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन हाई. सब लोग बोलेंगे. और कम होना क्या होता है? कम होना होता है प्राइस स्लैश. पेट्रोल के दाम घट गए तो क्या होगा? पेट्रोल प्राइसेस हैव बीन स्लैश. सब लोग बोलेंगे. ओके, उसको गिरफ्तार किया जा चुका है. ही हैज बीन अरेस्टेड. बोलो एक बार. सॉरी, और उसको जमानत हो गई है. जमानत होना क्या होता है? रिलीज ऑन बेल. क्या? रिलीज ऑन बेल. फिर से बोलेंगे. रिलीज ऑन बेल. फिर से बोलेंगे. उसको जमानत हो गई है. बोलेगा ही हैज बीन रिलीज ऑन बेल. सारे बोलो. आपकी आपका ऑर्डर डिलीवर हो चुका है. ऑर्डर हैज बीन डिलीवर्ड. बोले पर आपकी कार सर्विस हो गई है. योर कार हैज बीन सर्विस. अब इसी फॉर्मूले को हम ग्रामर के अकॉर्डिंग लगा देंगे. बस आपको बी लगाना है और एक्शन की थर्ड फॉर्म लगानी है. Your car has been serviced. क्या बोलेंगे? Your car has been serviced. आवाज नहीं आई? Your car has been serviced. Your car has been serviced. अब हम आगे लगाते हैं तो ऐसा किया जाता है. Work is done. अब यहां पर बी नहीं आएगा क्योंकि बी इज एम आर की फॉर्म होती है तो इज एम आर लग जाएगा. जैसे ऐसा किया जाता है दिवाली सेलिब्रेट की जाती है तो क्या हो जाएगा? दिवाली इज सेलिब्रेटेड. सभी लोग बोलेंगे. दिवाली इज सेलिब्रेटेड. आवाज नहीं आई? दिवाली इज सेलिब्रेटेड. हमारे यहाँ पर मोबाइल्स रिपेयर किए जाते हैं. मोबाइल मोबाइल्स आर बहुत सारे ना, तो यहाँ पर आर लगाना होगा. मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर. सभी लोग बोलेंगे. मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर. फिर से बोलेंगे. मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर. मोबाइल्स आर रिपेयर्ड हियर. ऐसा किया गया था तो क्या होगा? इट वॉज डन. या फिर आप वर्क वॉज डन भी लगा सकते हैं. इट वॉज डन. इट वॉज डन वॉज हो जाएगा यहां पर. इट वॉज डन. मेरे को यहां पर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था. आई वॉज कॉल्ड हियर फॉर इंटरव्यू. बोले एक बार. आई वॉज कॉल्ड हियर फॉर इंटरव्यू. मेरा जन्म हुआ था 1990 में. आई वॉज बॉर्न. बोलो. आई वॉज बॉर्न 1990. I was born in 1990. फिर से बोले एक बार. I was born in 1990. उसको शूट किया गया था. He was shot. क्या लगा? मुझे इनवाइट किया गया था. I was invited. सभी लोग बोलेंगे. I was invited. I was invited. मुझे बुलाया गया था. I was called. बोले एक बार. I was called. Sorry. I was called. और ऐसा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? It will be done. सभी लोग बोलेंगे. It will be done. सभी लोग बोलेंगे. It will be done. It will be done. जैसे आपको इनवाइट किया जाएगा तो क्या हो जाएगा? You will be invited. पार्टी सेलिब्रेट की जाएगी. पार्टी न्यू ईयर को सेलिब्रेट की जाएगी. पार्टी विल बी सेलिब्रेटेड
पार्टी सेलिब्रेट नहीं की जाएगी, पार्टी विल नॉट बी सेलिब्रेट, बोलो सॉरी मैच खेला जाएगा, तो मैच विल बी प्लेड, सभी लोग बोलेंगे मैच नहीं खेला जाएगा, मैच विल नॉट बी प्लेड, मैच कहां खेला जाएगा, वेयर विल मैच बी प्लेड, बोलेंगे मैच कब खेला जाएगा, व्हेन विल मैच बी प्लेड, सभी लोग बोलेंगे ओके। और क्या ऐसा किया जा सकता है, तो हो जाएगा इट कैन बी डन, आपको बुलाया जा सकता है, यू कैन बी कॉल्ड, सभी लोग बोलेंगे यू कैन बी कॉल्ड, फिर से बोलेंगे हाँ यू कैन बी कॉल्ड, सॉरी पेट्रोल के दाम घट सकते हैं, पेट्रोल प्राइसेस कैन बी स्लैश्ड, फिर से बोलेंगे पेट्रोल प्राइसेस कैन बी स्लैश्ड, फिर से बोलेंगे पेट्रोल प्राइसेस कैन बी स्लैश्ड, घट सकते थे तो क्या हो जाएगा, एक्जेक्टली यहाँ पर इट कुड बी डन, पेट्रोल के प्राइस कम हो सकते थे, आपको बस काम लगाना है और बी लगाना है, तो ग्रामर के अकॉर्डिंग इसको बना देना है, पेट्रोल प्राइसेस कुड बी स्लैश, बोलेंगे एक बार कुड बी स्लैश, फिर से बोलेंगे एक बार कुड बी, और ऐसा होना चाहिए तो क्या जाएगा, इट शुड बी डन, पेट्रोल के दाम कम होने चाहिए तो जाएगा पेट्रोल प्राइस शुड बी स्लैश, फिर से बोलेंगे एक बार शायद कम होंगे तो जाएगा पेट्रोल पेट्रोल प्राइस में पेट्रोल प्राइसेस मे बी स्लैश, सभी लोग बोलेंगे पेट्रोल प्राइस मे बी प्राइसेस मे बी स्लैश, और ऐसा होने को है तो क्या जाएगा इट इज टू बी डन, क्या इट इज टू बी डन, रोड बनने को है तो क्या जाएगा रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सभी लोग बोलेंगे हाँ रोड इज टू बी कंस्ट्रक्टेड, सॉरी तो पैसे वॉच में क्या लगाना, सबसे पहले आपको आगे लगाना है काम और इज एम आर और बी और डन, अब यहाँ पर काम हो चुका है तो वर्क हैज बीन डन किया जाएगा, तो क्या जाएगा वर्क विल बी डन, बोलो वर्क विल बी डन, रोड बनेगा तो क्या रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड, हाँ रोड विल बी कंस्ट्रक्टेड, आपको पनिशमेंट दिया जाएगा यू विल बी पनिश्ड, और आपको अवार्ड दिया जाएगा यू विल बी अवार्डेड, फिर से बोलिए यू विल बी अवार्डेड, आवाज यही यू विल बी अवार्डेड, हाँ यू विल बी अवार्डेड, आपको आपको मर्डर कर दिया जाएगा यू विल बी मर्डर्ड, क्या क्रिमिनल को मर्डर कर दिया जाएगा क्रिमिनल विल बी मर्डर्ड, सारे बोले पर आवाज ही आई क्रिमिनल को पकड़ा जाएगा विल बी कैप्चर्ड, क्रिमिनल विल बी कैप्चर्ड, सारे बोले पर क्रिमिनल विल बी कैप्चर्ड, बोले पर क्रिमिनल विल बी कैप्चर्ड, गोली लगेगी उसको तो He will be shot. क्या जाएगा? He will be shot. आवाज़ ये है? He will be shot. Shoot, shot, shot. Criminal will be shot. क्या जाएगा? He will be shot. आपको inform किया जाएगा? You will be informed. You will be informed. बोले बर? You will be informed. आपका interview लिया जाएगा? Your interview will be taken. Interview लेना और interview दोनों होते हैं interview. You will be interviewed. क्या जाएगा? You will be interviewed. Sorry? You will be interviewed. You will be interviewed. बोलो? You will be interviewed. Sorry? You will be interviewed. आपको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाएगा यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, यू विल बी हॉस्पिटलाइज्ड या ही विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, पेशेंट विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, बोले एक बार पेशेंट विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, हां पेशेंट विल बी हॉस्पिटलाइज्ड, उसको सजाए मौत दी जाएगी, सजाए मौत क्या होता है पता है, दैट इज कॉल्ड कैपिटल पनिशमेंट, क्या होता है कैपिटल पनिशमेंट, He will be given capital punishment. सभी लोग बोलेंगे एक बार He will be given capital punishment. सारे बोलेंगे एक बार उसको रंगे हाथों पकड़ा गया था, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बोले जाते हैं न्यूज़पेपर में और क्राइम बॉडी, रंगे हाथों पकड़ना क्या होता है कैच रेड हैंडेड, कौन से उसके हाथ लाल थे उसको पकड़ा गया था, He was caught red-handed. बोले एक बार. He was caught red-handed. आवाज़ नहीं आई? He was caught red-handed. उस पर
लगाना क्या होता है? एक्यूज. ही इज बीइंग एक्यूज. सारे बोले बोल. ही इज बीइंग एक्यूज. हां ही एलिज. ही इज बीइंग एलिज. बोले बोल. ही इज बीइंग एलिज. दास यही ही इज बीइंग एलिज. उसको धर दबोचा गया है. ही इज बीइंग ग्रैब्ड. बोले बोल. ही इज बीइंग ग्रैब्ड. आवाज यही ही इज बीइंग ग्रैब्ड. फिर से बोले बोल. ही इज बीइंग ग्रैब्ड. हां ही इज बीइंग ग्रैब्ड. He has been grabbed. आवाज यही he has been grabbed. हां he has been grabbed. Sorry he has been grabbed. उसको दबोच लिया जाएगा. He will be grabbed. बोले बोल. He will be grabbed. ऐसे कोई भी क्रिमिनल पकड़ा जाता तो क्या करते हैं पुलिस में? उसको दबोच लेते हैं, पीछे हाथ पकड़ लेते हैं, मार देते हैं. He has been grabbed. बोले बोल. He has been grabbed. उस पर आरोप लगाया गया है तो He has been accused. बोले बोल. He has been accused. उस पर शक किया जा रहा है. शक करना क्या होता है? सस्पेक्ट. ही इज बीइंग सस्पेक्टेड. सारे बोलेंगे किया जा रहा है तो काम चल रहा है तो यहां पर इजमा लग जाएगा. ही इज बीइंग सस्पेक्टेड. बोले वर्ड. ही इज बीइंग सस्पेक्टेड. हियर ट्रांसफर किया जा रहा है. माई ट्रांसफर. आई एम बीइंग. मेरे पर काम चल रहा है तो I am being transferred. बोले बोल. I am being transferred. मेरा ट्रांसफर किया जा चुका है. I have been transferred. क्या जाएगा? I have been transferred. उसका ट्रांसफर हो गया है. He has been transferred. मेरे को प्रमोशन हो गया है. I have been promoted. सारे बोले बोल. I have been promoted. उसको कंपनी से निकाल दिया गया है. गवर्नमेंट से निकालना क्या होता है? He has been terminated. बोलो. He has been terminated. और थोड़े समय के लिए He has been suspended. बोलो. He has been suspended. दबाव यही. He has been suspended. Sorry. He has been suspended. क्लास पढ़ाई जा चुकी है. क्लास has been taught. क्लास पढ़ाई जाएगी तो क्लास will be taught. क्लास पढ़ाई जा सकती है तो क्लास will be taught. क्लास पढ़ाई जा सकती थी तो क्लास could be taught. क्लास पढ़ाई जानी चाहिए तो क्लास could be taught. जरूर पढ़ाई जानी चाहिए तो क्या जाएगा? क्लास must be exactly. क्लास must be taught. क्लास must be. मतलब इसकी जगह आप कोई वर्ब लगा सकते हैं. It must be done. क्लास जरूर पढ़ाई जानी चाहिए. क्लास मस्ट बी टॉट. क्लास पढ़ाई जाया करती थी तो क्लास यूज टू बी जरूर लगाना है आपको. क्लास यूज टू बी टॉट. बोले बोल. क्लास यूज टू बी टॉट. सॉरी. क्लास यूज टू बी टॉट. सॉरी. क्लास यूज टू बी टॉट. क्लास यूज टू बी टॉट. क्लास पढ़ाई जा रही थी तो ऐसा चल रहा होगा लगाएंगे यहाँ पर. क्लास वाज बीइंग टॉट. एग्जैक्टली. क्लास वाज बीइंग टॉट. ऐसा हो रहा था. अब देखो हम करते हैं डिफरेंशिएट. अब हम क्या करेंगे? एक्टिव में बनाएंगे और पैसिव में उसको कन्वर्ट करेंगे. जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो क्या आएगा? एक्टिव वॉइस बनाना है. आई एम टीचिंग द क्लास. बोले बोल. आई एम टीचिंग द क्लास. अब उसको कन्वर्ट करो पैसिव में. क्लास पढ़ाई जा रही है मेरे द्वारा. क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी. कर्टुम लगाना है. क्या हो जाएगा? क्लास इज बीइंग टॉट बाय मी. मैं क्लास पढ़ाता हूं. एक्टिव वॉइस बनाओ इसका. I teach the class. पैसिव वर्ब में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? क्लास